गोरखपुर में सीएम ने कहा आज यहां पर गुरुकुल विद्यालय में नए क्लासरूम और सभागार का उद्घाटन किया। गुरुकुल विद्यालय में चलने वाली आध्यात्मिक और राजनीतिक गतिविधियों को देखकर आजादी के आंदोलन के दौरान ब्रिटिश हुकूमत ने 5 साल तक इस संस्था को बंद कर रखा। इसके बाद ये संस्था पुनर्विकसित हुई और गुरुकुल स्कूल के रूप में शुरू हुई। समय के अनुरूप जब कोई संस्था या व्यक्ति नहीं चल पाता तो वो पिछड़ जाता है। यही गुरुकुल संस्था के साथ हुआ। जरूरत के हिसाब से संसाधन की कमी हुई और छात्र घटते गए। इन सबको देखते हुए मैंने गोरखपुर विकास प्राधिकरण से इसे स्मार्ट बनाने की बात की। समाज में जब भी विषमता होगी उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना होगा। इसे दूर करने के लिए हमें आगे आना होगा। गोरखपुर में सीएम योगी ने रविवार को पेप्सिको फ्रेंचाइजी और वरुण बेवरेज की यूनिट का उद्घाटन किया। वरुण बेवरेज पेय पदार्थों के प्रमुख निर्माताओं में से एक है। इसकी नई यूनिट स्थानीय बाजार की मांग को पूरा करेगा। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर 27 में मैसर्स वरुण बेवरेज ने पेप्सिको की यूनिट के लिए 1170 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस गुरुकुल विद्यालय के पुनरुद्धार के कार्य को संपन्न करते हुए इसमें कुछ नए कक्ष और एक नए सभागार का लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। इसके लिए द गोरखपुर गुरुकुल सोसाइटी के प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारियों को और विद्यालय परिवार को मैं हृदय से बधाई।